हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन ऑन मेडिकल स्टडीज। आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ में आए हुए हैं। इस चैनल पर हमने इससे पहले भी बहुत से मेडिकल लेक्चर्स से वो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर डाल दिए गए हैं, और साथ ही हम बहुत सी लाइव स्ट्रीम भी जो है चैनल पर डेली बेसिस पर कर रहे हैं, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही हमारा जो टारगेट है वो 10K सब्सक्राइबर का है, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज वालों के साथ, सबके साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ओवर टू द टॉपिक। सो जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला वो रहेगा पेनक्रेटाइटिस। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है MSN के लिए, जो कि एग्जाम में भी ये क्वेश्चन जो होता है वो पूछा जाता है। एक और इम्पोर्टेंट डिसीज के बारे में आज डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझेंगे। अगर आप मेरा टॉपिक अच्छे से बिना स्किप करते हुए देखना, आपको अच्छे से चीज़ें समझ में और क्लियर होगी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन की, पेनक्रेटाइटिस की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, क्या होता है पेनक्रेटाइटिस। तो यहाँ से इसके वर्ड्स हम समझते हैं। पेनक्रेटाइटिस को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो वो बनता है, एक होता है पेनक्रियास एंड आईटिस। अब पेनक्रियास क्या होता है आपको पता है? पेनक्रियास एक ग्लैंड होती है, ठीक है, और जहाँ पर भी वर्ड आता है आईटिस, आईटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन। जब इन्फ्लामेशन होता है तो उसे हम मेडिकल टर्म में एक वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, जिसे कहते हैं आईटिस। सो पेनक्रिया एंड आईटिस पूरा मिला के क्या हो जाएगा? पेनक्रियाइटिस। ठीक है, आया समझ में आपको? जो आपकी पेनक्रियास ग्लैंड होती है उसके ऊपर अगर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे पेनक्रेटाइटिस। वही चीज़ हमें हमारी डेफिनेशन बताना चाहती है। पेनक्रेटाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द पेनक्रियास। जो आपका पेनक्रियास होता है उसका इन्फ्लामेशन हो जाना, उसे ही पेनक्रेटाइटिस कहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ पेनक्रियास क्या होता है। ठीक है, ये भी तो जरूरी है ना कि जिस चीज़ की हम डिसीज के बारे में बात कर रहे हैं, हमें उस ऑर्गन के बारे में भी तो कुछ ना कुछ, उस ग्लैंड के बारे में भी तो कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। सो क्या होता है पेनक्रियास? द पेनक्रियास इज अ ग्लैंड लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक। इट रिलीजेज द हॉर्मोन जैसे कि इंसुलिन, ग्लाइकोजन, एज वेल एज डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट हेल्प यू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब फूड। क्या मतलब है? मतलब कि जो पेनक्रियास ग्लैंड है ये क्या होती है, स्टमक के पीछे की साइड में क्या होती है, लोकेटेड होती है। इसकी जगह कहाँ पर होती है? जो स्टमक होता है हमारा उसके जस्ट पीछे की साइड में। थोड़ा मैं आपको डायग्रामेटिक वे में दिखाता हूँ, जैसे आपको चीज जो रहेगी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखो जैसे ये क्या है, स्टमक, और इसके पीछे ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे प्रेजेंट होता है पेनक्रियास। जैसे कि ये अपनी पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये हो गया अपना इसोफेगस, इसोफेगस के यहाँ पर आता है अपना स्टमक। ग्लैंड दिखाई दे रही है स्टमक के पीछे, इसी को अपन कहेंगे पेनक्रियास। नेक्स्ट क्या कहा गया है, इसके फंक्शंस के बारे में दिखाया गया है कि क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं। तो ये क्या करता है, जो कुछ हॉर्मोन्स होते हैं उनको रिलीज करता है, जैसे कि इंसुलिन हो गया, ग्लूकागोन हो गया, और उनके साथ साथ कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी जो रहते हैं वो ये रिलीज करता है, जो कि काय में आपको हेल्प करते हैं, काय में फूड को एब्जॉर्ब करने में और फूड को डाइजेस्ट करने में ये हॉर्मोन्स जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं। सो आ गए आपको डेफिनेशन समझ में? बहुत ही सीधी सी डेफिनेशन थी इसकी कि पेनक्रियाटाइटिस मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द पेनक्रियास। पेनक्रियास में इन्फ्लामेशन हो जाना तो उसे क्या कहेंगे हम? पेनक्रियाटाइटिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स की, कौन कौन से टाइप्स की ये होती है। तो मेनली ये दो टाइप की होती है, एक होती है एक्यूट, एक होती है क्रोनिक। समझना, जहाँ पर भी एक्यूट वर्ड लगता है वहाँ का मतलब होता है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि कुछ कम समय के लिए वो चीज़ जो रहती है वहाँ पर रहेगी प्रेजेंट। एंड क्रोनिक का मतलब होता है लंबे समय तक, जो चीज़ लंबे समय तक चलती है, कोई सी डिजीज लंबे समय तक रहती है, तो वहाँ पे वर्ड यूज़ होता है क्रोनिक। तो इन दोनों वर्ड में कंफ्यूज मत होना आप। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, ठीक है, ये क्या कहती है। सो क्या आता है एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में? एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द पेनक्रियास दैट ऑक्यूर्स सडनली एंड यूजुअली रिजोल्व इन अ फ्यू डेज विद ट्रीटमेंट। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस कैन बी अ लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस विथ सीवियर कॉम्प्लिकेशंस। क्या मतलब इसका मैं समझाता हूँ आपको। सो एक्यूट पेनक्रेटाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियास, पेनक्रियास का इन्फ्लामेशन हो जाना, जो कि कैसे होगा? सडनली हो जाएगा, मतलब कि अचानक से एकदम से जो पेनक्रियास रहेगा उसके ऊपर स्वेलिंग आ जाएगी, उसके अंदर उसके ऊपर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, और साथ ही जैसे वो होगा ना तो कुछ दिन के अंदर ठीक भी हो जाएगा। अगर अपन प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर देंगे तो वो जो इन्फ्लामेशन होगा वो उसका कम हो जाएगा या फिर वो ठीक भी हो जाएगा, अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला तो। और जो एक्यूट पेनक्रेटाइटिस होता है ये
लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, मतलब कि जानलेवा भी हो सकता है अगर उसमें सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो, अगर खतरनाक उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो। सो अपने को एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में क्या समझना है कि इसमें इन्फ्लामेशन होगा पेनक्रियास का सबसे पहले तो, उसके बाद में सडनली हो जाएगा, देन यूजुअली ये क्या हो सकता है कुछ दिन में ठीक भी हो सकता है और कुछ दिन तक रहेगा, और अगर इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा तो ठीक भी हो जाएगा, और साथ ही ये जानलेवा भी हो सकता है अगर इसमें सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो तो। आ गया समझ में, लिख पाओगे एग्जाम में ये चीज़ आप। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस, मतलब कि लंबे समय तक चलने वाली चीज़, तो वही आएगा इसमें, इट इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लामेशन, मतलब कि लंबे समय तक जो आपका पेनक्रियास रहेगा उसके ऊपर इन्फ्लामेशन जो रहेगा वो प्रेजेंट रहेगा। अब नेक्स्ट लाइन में इसमें बताया गया कि इट मोस्ट ऑफ्टन हैपन्स आफ्टर एन एपिसोड ऑफ एक्यूट पेनक्रेटाइटिस, मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक्यूट पेनक्रेटाइटिस जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, अगर वो बार बार रिपीटली हो रहा है, मतलब कि पेनक्रेटाइटिस हुआ, पेनक्रियास पे स्वेलिंग आई, इन्फ्लामेशन हुआ, फिर कुछ दिन में वो जो चीज़ें वो सही हुई ट्रीटमेंट से, देन फिर थोड़े दिन के बाद में फिर से वही चीज़ अफेक्ट कर गई, फिर थोड़े दिन में फिर से वही चीज़ अफेक्ट कर गई, तो फिर उससे क्या बन जाएगा, क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस जो रहेगा वो बन जाएगा। तो इन दोनों में मेन चीज़ क्या रहेगी याद रखने के लिए, जो एक्यूट रहेगा वो कम टाइम के लिए चलेगा और जो क्रोनिक रहेगा वो लंबे समय तक चलेगा। चलिए नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे अब इसके क्योजेस ऑफ पेनक्रेटाइटिस, की कौन कौन किस कारण से ये जो डिजीज होती है वो एक्चुअली होती है, क्या चीज़ रहती है इस डिजीज को क्योज करने के पीछे। तो इसके अंदर मेनली अगर आप ये चार डायग्राम भी याद रख लोगे तो आपको ये सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इसमें सबसे पहला क्या आएगा, एक्सेसिव यूज़ ऑफ एल्कोहल, मतलब कि कोई पर्सन अगर बहुत ज़्यादा एल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो ये डिजीज जो होती है उसको क्योज कर सकती है। सेकंड आएगा बाइलरी डक्ट स्टोन, अब बाइलरी डक्ट स्टोन क्या होता है ये डायग्राम में देखो आप, जो ये बाइल डक्ट है इसके अंदर कुछ स्टोन हो जाए तो उससे भी ये जो क्योज है वो हो सकता है। थर्ड है हेरिडिटी, हेरिडिटी से आप क्या समझते हो, चलो थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। हेरिडिटी मतलब क्या होता है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, मतलब कि आपकी फैमिली में अगर किसी को ये डिसीज़ होती है तो उनसे वो उनकी जीन के कारण जो आपको भी वो डिसीज़ रहेगी वो क्योज होती रहेगी, तो इसे कहते हैं हेरिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन्फेक्शन टू पेनक्रियास, अगर पेनक्रियास पर कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं तो भी ये चीज़ क्योज हो जाती है। नेक्स्ट ट्रोमा टू पेनक्रियास। फिफ्थ आता है ट्रोमा टू पेनक्रियास, अब ट्रोमा से क्या समझते हो, अब ट्रोमा का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि या तो कोई इंजरी हो जाए या फिर कोई भी उस पर अफेक्ट हो जाए तो उसके कारण भी जो इन्फ्लेमेशन होता है उस पर हो सकता है। सिक्स नंबर पर आता है ट्यूमर टू पेनक्रियास, मतलब कि जो पेनक्रियास होता है उसके अंदर कोई सी ट्यूमर हो जाए तो वो भी इन्फ्लेमेशन क्योज कर सकती है। और लास्ट नंबर पर आता है सर्टन मेडिकेशंस, मतलब कि कुछ ऐसी मेडिसिंस भी होती है जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही सही बट जो पेनक्रियास होता है उसके ऊपर इन्फ्लेमेशन क्योज कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर हम खत्म करते हैं हमारे क्योजेस, नेक्स्ट चलते हैं पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर। पैथोफिजियोलॉजी मतलब क्या होता है कि किस प्रोसेस से होकर के फिर इन्फ्लेमेशन होता है अपने पेनक्रियास के ऊपर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ रही होने वाली है कि कैसे होता है आप अच्छे से समझिएगा। उससे पहले आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करने से पहले सबसे पहले जो नोट दिख रहा है इसे याद रखना आप लोग, जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं उनमें पोटेंशियल होता है जो कि एक्सेंसिव टिश्यू को डैमेज कर सके, जो ये पेनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं एक्सेंसिव टिश्यू डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना सा नोट याद रख लेना। नेक्स्ट चलती है अपन पढ़ते पैथोफिजियोलॉजी, तो सबसे पहले क्या आता है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, मतलब कि किसी भी क्योज के कारण, या तो बाइल डक्ट में आपका स्टोन हो जाए या फिर पेनक्रियास में इन्फेक्शन हो, ट्रोमा हो, इंजरीज हो, मतलब जितने भी अपन अभी क्योज डिस्कस करें इनमें से कुछ भी अगर होता हो, इन सब के कारण क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज ऑक्यूर इन पेनक्रियाटिक डक्ट, जो पेनक्रियाटिक डक्ट होती है उसमें क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा। एंड पेसेज ऑफ एंजाइम सिक्रेशन, मतलब कि जो पेसेज है, जो रास्ता होता है किसका, एंजाइम्स के सिक्रेशन का, वो क्या हो जाता है, रुक जाता है, किसके कारण, पेनक्रियाटिक डक्ट में ब्लॉकेज होने के कारण। अब अगर उसके डक्ट में ही ब्लॉकेज हो जाएगा तो जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स का सिक्रेशन होगा और उसका जो पेसेज होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके बाद ये सब क्या करेंगे, ये एंजाइम्स क्या करेंगे, ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसको, पेनक्रियाटिक सेल्स को, मतलब कि क्या करते हैं, जो पेनक्रियास के सेल्स होंगे उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे। यही हमने ऊपर नोट में डिस्कस करा था स्टार्टिंग में कि जो ये पेनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं इनमें पोटेंशियल होता है कि वो एक्सेंसिव टिश्यू डैमेज कर सके। तो जब ये पेनक्रियाटिक एंजाइम्स बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो यहाँ पर वो क्या करना चालू हो जाएंगे, टिश्यू डैमेज,
जो पेनक्रियाटिक सेल्स होंगे उनको डैमेज करना चालू हो जाएंगे, और इन सब चीज़ों के कारण क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन ओक्योर हो जाएगा। और पेनक्रियास पर अगर इन्फ्लामेशन होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, पेनक्रियाटाइट टेस्ट। हो गई समझ में, पैथोफिजियोलॉजी सारी की सारी। अगर आपके पेनक्रियास पे यहाँ पे इन सब चीज़ों के कारण इन्फेक्शन होता है तो उसे हम पेनक्रियाटाइटिस कहेंगे। चलिए, तो आप सभी को क्लियर हुई पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के ऊपर, जिन्हें हम साइन एंड सिम्टम्स भी कहते हैं, कि अगर किसी पर्सन में पेनक्रियाटाइटिस हो गया है तो उसकी बॉडी क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स जो रहेगी वो शो करेगी। तो सबसे पहला साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा, पेन इन एपिगेस्ट्रियम रीजन और इन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, मतलब कि जो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट होगा आपके एब्डोमिन का, वहाँ पे पेन होगा। मैं डायग्राम में दिखाता हूँ, यहाँ पर क्या होगा, पेन होगा। सेकंड आएगा कॉन्स्टेंट पेन, मतलब कि पेन होगा ना वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, मतलब कि लगातार जी जो पेन रहेगा वो होता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। थर्ड होगा लो ग्रेड फीवर, मतलब कि फीवर भी रहेगा। नेक्स्ट आता है वेट लॉस। अब वेट लॉस क्यों होगा, जो पेनक्रियास के एंजाइम्स होते हैं अपन ने पढ़ा है ये, वो क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब जब पेनक्रियास डैमेज हो चुकी है, वो अफेक्टेड है ऑलरेडी, तो जो डाइजेशन होता है वो ठीक से हो ही नहीं पाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, वेट लॉस होना चालू हो जाएगा। फिफ्थ आता है ब्रीथलेसनेस, मतलब क्या होता है इसका, मतलब कि जो ब्रीथ करते हैं उसमें भी दिक्कत आएगी। सिक्स्थ आता है स्टेटोरियस। अब स्टेटोरियस का मतलब क्या होता है, फैटी स्टूल, मतलब कि जो पर्सन का जो स्टूल रहेगा उसके अंदर फैट की क्वांटिटी जो रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। अब ये चीज़ क्यों क्यों हो रही है, क्योंकि जो पेनक्रियास से डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं वो सही मात्रा में अब रिलीज हो नहीं पाएंगे जितने कि पहले होते थे, और जिसके कारण प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाएगा, और उसी के कारण प्रॉपर बॉडी में एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाएगा। तो जो स्टूल होगा ना उसके अंदर क्या होगा, जो फैट रहेगा वो एक्सक्रीट आउट होगा। इसके बाद एक और सिम्टम्स आता है, वो होता है वीक पल्स, ठीक है। इसके बाद में एक मेन साइन एंड सिम्टम्स भी होता है, जो कि होता है, ये एक मेन साइन एंड सिम्टम्स है जिसमें क्या हो जाएगा, ब्लूइश डिसकलरेशन ऑफ स्किन अकॉर्डिंग टू दिस टू टाइप ऑफ साइन ऑक्योर्स। दो टाइप के इसमें साइंस जो होते हैं वो दिखाई देते हैं, मतलब कि वहाँ की जो स्किन रहेगी ना उसके अंदर ब्लूइश कलर का डिसकलरेशन हो जाएगा, वहाँ की स्किन जो रहेगी वो ब्लू कलर की दिखाई देने लगेगी, जैसे आपको डायग्राम में शो हो रहा है कुछ इस टाइप से चीज़ हो जाएगी। आप डायग्राम में देखो, आपको अच्छे से चीज़ क्लियर होगी। अब इसके अकॉर्डिंग ये दो पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। पहला है कुलेन साइन, ये वर्ड आपने सुना होगा बहुत बार, आज समझ लो क्या होता है ये चीज़। इसका मतलब क्या होता है, स्किन का डिसकलरेशन हो जाना, और कौन से रीजन में, पेरी अम्बाइकल रीजन में, जो पेरी अम्बाइकल रीजन होता है वहाँ पर स्किन ब्लूइश कलर की दिखाई देगी। ये देखो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें यह होगा अपना अम्बिलिकस। अब इसका जो पेरी अम्बिलिकल रीजन होता है इसके अंदर क्या हो जाएगा, ब्लूइश डिसकलरेशन हो जाएगा, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, कुलन साइन। सेकेंड नंबर पर आता है टर्नर साइन, इसके अंदर क्या होगा, स्किन डिसकलरेशन इन फ्लैंक रीजन, मतलब कि जो फ्लैंक रीजन होता है जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो रहेगा वो डिसकलरेशन जो रहेगा वो हो जाएगा ब्लू स्किन का। जो दो साइन एंड सिम्टम्स है, ये मेन साइन एंड सिम्टम्स है पेनक्रियाटाइटिस के, जो कि आपको याद रखने ही रखने, एक तो हो गया कोलन साइंस, एक होता है टर्नर साइंस। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अपन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मतलब कि कौन कौन से टेस्ट हम इसके लिए करवाते हैं, इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए। तो इसमें सबसे पहला टेस्ट आता है USG। अब USG का मतलब क्या होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी। तो सबसे पहले जो आपका एब्डोमिनल होगा उसकी क्या कराएंगे, सोनोग्राफी करवाएंगे। सेकंड टेस्ट जो रहेगा वो रहेगा सीटी स्कैन और MRI ऑफ द एब्डोमिनल, एब्डोमिन जो एब्डोमिन रहेगा उसकी सीटी स्कैन और MRI करवाएंगे। नेक्स्ट आती है ERCP। अब ये ERCP क्या है, ये एक टेक्निक है जो कि आपकी एंडोस्कोपी और एक्सरे दोनों को मिला करके बनी गई है। चलो थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे में दिखा देता हूँ, ये ERCP है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, याद रख लो कभी पूछ ले ERCP। इसका फुल फॉर्म होता है एंडोस्कोपी रिट्रोग्रेड केलेंजियो पेनक्रियाटोग्राफी। अब इसके अंदर क्या करेंगे, एक वायर डालेंगे जिसके आगे क्या लगा रहेगा, कैमरा लगाया रहेगा, वो इसोफेगस स्टोमक के थ्रू बायोलॉजी डक्ट तक जाएगा। अब बायोलॉजिकल डक्ट के जाने तक जाने के बाद में एक वायर होगा जो कि क्या करेगा, रेडियो एक्टिव डाई को इंसर्ट करेगा, जो रेडियो एक्टिव डाई रहेगी उसको इसके अंदर डालेगा, और जो डाई रहेगी ना वो वहाँ तक जाएगी जहाँ तक ब्लॉकेज जो रहेगा वो नहीं रहेगा। अब उसके बाद में उसका क्या लिया जाएगा, एक्सरे लिया जाएगा, और एक्सरे में जहाँ तक वो डाई जो रहेगी वो जा रही है वहाँ तक अपने को पता लग जाएगा कि यहाँ पर क्या है, ब्लॉकेज है, वो चीज़ डिटेक्ट हो जाएगी, पकड़ी जाएगी, है ना, आया समझ में। तो ये चीज़ इतनी डिटेल में आपको पढ़नी नहीं है, बस आपको लिखना है कि ये टेस्ट जो अपन इवोल्यूशन में, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में करवा सकते हैं, और इसका फुल फॉर्म जो है वो याद रख लेना आप। इसके बाद नेक्स्ट डायग्नोसिस में अपन देखें WBC काउंट, मतलब जो WBC है आपके वाइट ब्लड सेल्स है वो बड़े गठे क्या है, ये सब चीज़ भी हम उस पर चेक कर लेंगे।
क्योंकि अगर कहीं भी इन्फ्लामेशन होगा पेनक्रियाज में तो जो WBC काउंट रहेगा वो बढ़ा हुआ आएगा। लास्ट कुछ और टेस्ट है जैसे कि सीरम बिलिरुबिन AST ALT LDH टेस्ट, ये सारे टेस्ट क्या करेंगे जो बाइल डक्ट उसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं, इस सब चीज़ों को शो करेंगे। तो चलिए डायग्नोस्टिक क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और लास्ट देख लेते हैं अपना मैनेजमेंट की क्या क्या मैनेजमेंट करने हैं, कौन कौन सा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है इस चीज़ को सही करने के लिए, क्या क्या मैनेजमेंट रखने हमें। तो मैनेजमेंट मेनली दो टाइप में डिवाइड है, आप ऐसे ही लिखना जब भी अपने MSN में अगर कोई सी डिसीज के बारे में लिखो ना तो मैनेजमेंट में यही चीज़ लिखना, एक मेडिकल मैनेजमेंट लिख देना एक साइड सर्जिकल मैनेजमेंट लिख देना, क्योंकि दोनों ही मैनेजमेंट हर डिसीज में जो रहते हैं वो लिखने को आ सकते हैं। तो जो मेडिकल मैनेजमेंट रहता है उसके अंदर मेडिसिन आ जाएगी, क्या क्या मेडिसिन दे सकते हो, सर्जिकल मैनेजमेंट में जो कुछ सर्जरीज होती है डिसीज के लिए वो आ जाएगी। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेडिसिन, तो जो मेडिसिन में सबसे पहले क्या आएगी, एंटीबायोटिक्स आएगी। अब एंटीबायोटिक्स क्यों दी जाती है आप सभी लोगों को पता है इतनी चीज़ें, तो प्रिवेंट करने के लिए इन्फेक्शंस को, हमने पढ़ा था कि जो पेनक्रियाज है उसमें इन्फेक्शंस भी लग सकते हैं, तो उस इन्फेक्शन को सही करने के लिए, उस इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स टेबलेट जो रहेगी वो पेशेंट को देंगे। जिसका इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, इसका एग्जाम्पल रहेगा सेप्ट्रेक्सोन। सेकेंड नंबर पर आती है एनाल्जेसिक्स। अब एनाल्जेसिक्स क्यों दी जाती है स्टूडेंट्स, जो पेन होता है ना उसको ट्रीट करने के लिए पेन होता है, तो उसमें एनाल्जेसिक मेडिसिन जो रहती है वो दी जाती है। अब इसके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं, डाइक्लोफेनिक एंड ट्रामाडोल। अब थर्ड नंबर पर आते हैं H2 ब्लॉकर्स। ये H2 ब्लॉकर्स क्यों दिए जाते हैं, रिड्यूस द, तो ये H2 ब्लॉकर्स क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे इनएक्टिवेशन ऑफ द सप्लीमेंटल पेनक्रेटिक एंजाइम्स फ्रॉम गैस्ट्रिक एसिड। इसका मतलब क्या होगा, जो पेनक्रियाज है अपनी वो क्या है डैमेज है, तो अपने वो सप्लीमेंटल पेनक्रेटिक एंजाइम जो रहेंगे वो देने पड़ेंगे, मतलब कि बाहर से अपने को पेनक्रेटिक एंजाइम जो रहेंगे वो देने पड़ेंगे, तो वो एंजाइम जो रहते हैं वो HCL जो होता है उससे डैमेज हो सकते हैं, तो जो गैस्ट्रिक एसिड रहता है उसको कम करने के लिए दिए जाते हैं H2 ब्लॉकर्स। इसका अगर एग्जाम्पल ले ले तो वो आती है रेंटिडाइन। चलिए यहाँ पे मेडिकल मैनेजमेंट खत्म होता है, नेक्स्ट आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। अब सर्जिकल मैनेजमेंट में कौन कौन सी क्या करेंगे, हम सर्जरी करेंगे, तो कौन कौन सी सर्जरी परफॉर्म होती है इसके लिए, तो इसमें भी दो पार्ट है, पहला होता है सबटोटल पेनक्रेटेक्टोमी और सेकेंड होता है सर्जिकल इंसिजन। तो सबसे पहले अपन देखेंगे सबटोटल पेनक्रेटेक्टोमी। इसमें क्या होगा, ऑपरेशन ऑन द बॉडी टेल ऑफ द पेनक्रियास आर कॉल्ड डिस्टल और सबटोटल पेनक्रेटेक्टोमी। इसमें क्या करेंगे, जो पेनक्रियास होगा उसकी बॉडी से लगाकर तो टेल तक अपन क्या कर देंगे, जैसे डायग्राम में देखो ये पेनक्रियास की बॉडी, ये पेनक्रियास की टेल, इस पार्ट को अपन ने कट करके रिमूव कर दिया, इसे अपन बोलेंगे सबटोटल पेनक्रेटेक्टोमी। मतलब एनीथिंग रिमूव, एनी बॉडी पार्ट रिमूव फ्रॉम द बॉडी, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है टोमिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है सर्जिकल इंसिजन। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें क्या होगा, डन फॉर ड्रेनेज ऑफ एक्यूमुलेटेड फ्लूइड। मतलब कि आपके पेनक्रियाज में अगर कोई सा फ्लूइड जो एक्यूमुलेटेड हो रहा है, मतलब इकट्ठा हो रहा है किसी पार्ट में पेनक्रियाज के, तो उसे ड्रेन करने के लिए, उसे बाहर निकालने के लिए सर्जिकल इंसिजन लगाया जाएगा। तो ये था सर्जिकल मैनेजमेंट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि हमने अच्छे से डिस्कस कराया। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्यूरी और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और आगे के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, हैव अ गुड।